कल वाला वीडियो पहुंच गया होगा, सब लोग देख लिए होंगे। कल वाले वीडियो में थोड़ा दिक्कत थी, दिक्कत एक चीज की थी कि फुल स्क्रीन में नहीं आ पा रहा था। कोशिश करेंगे कि आज का वीडियो फुल स्क्रीन में आए, और अगर नहीं भी आ पाता तो ध्यान से सुने कि क्या बोला जा रहा है, और जो बोला जा रहा है वही वहां लिखा भी जा रहा है। इसलिए बहुत इस चीज पे डिपेंड ना रहें कि केवल उस पे जो लिखा है वही देख के आप करें। आप खूब समझदार हैं, शब्दों को समझें और कॉन्सेप्ट को समझें। लास्ट में दो अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हुए थे। लास्ट वाला न्यूमेरिकल ऐसे ब्रह्म से लिया गया था, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल, एडवांस लेवल पे अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आज बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे सिलेबस को लेकर चलते हैं। कल हमने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखा, और उसमें यह बताया गया कि अगर किसी कॉयल से, किसी कंडक्टर से लिंक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अगर सर्किट क्लोज है तो उसमें करंट भी फ्लो होने लगेगी। ठीक है, उस करंट की डायरेक्शन के लिए कल हमने आपको रोका था कि अभी डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। लेंस थे, लेंस ने एक नियम दिया, डायरेक्शन के बारे में ही बात किया उन्होंने। तो एक हेडिंग लेके शुरुआत करते हैं आज, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। और ये पता चला लेंज के नियम से, लेंज ने इसके बारे में बताया था। एक सिंपल शब्द में अगर मैं लेंज का नियम कहूं तो लेंज ने कहा कि इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन ऐसे होगी कि वह उसी का विरोध करेगा, उसी को अपोज करेगा जिसके कारण वह खुद उत्पन्न हुआ है। नहीं समझ पाया। अगर मैं कल की बातों को रिवाइज करूं, जो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट था वहां यह था कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर रखा, फिर हमने बी को चेंज किया, इसके कारण हुआ था इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसके कारण ईएमएफ इंड्यूस हुआ था। ईएमएफ किसके कारण इंड्यूस हुआ है, स्पेशली इस केस में बी में चेंज के कारण, चेंज दो प्रकार से हो सकते हैं, या कि इंक्रीज या कि डिक्रीज। अगर बी बढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ने के कारण अगर ईएमएफ इंड्यूस हुआ है तो उस ईएमएफ की डायरेक्शन ऐसी होगी कि वह मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को रिड्यूस करने का प्रयास करेगा, उसी का अपोज करता है जिसके कारण यह हुआ है। ईएमएफ किसके कारण हुआ था, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ने के कारण। हम इस वाले केस की बात कर रहे हैं, ईएमएफ किसके कारण इंड्यूस हुआ था, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ने के कारण। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस प्रकार होगी कि वह मैग्नेटिक फील्ड को घटा दे। ठीक, अगर ईएमएफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी घटने के कारण इंड्यूस हुआ होता तो इसकी डायरेक्शन क्या होती, कि वह मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ाती। ठीक, आसान से शब्दों में लेंज ने यही कहा। यह हमने केवल एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट की बात किया, एक्सपेरिमेंट सेकेंड की अगर हम बात करें, उन्होंने एरिया सेंस किया था, तो एरिया में इंक्रीज और डिक्रीज हुआ था। एरिया में इंक्रीज और डिक्रीज के कारण फर्क कहां आया था, फ्लक्स, और फाइनली मैग्नेटिक फील्ड पे भी तो फर्क आया। फ्लक्स में फर्क आने का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में भी तो फर्क आया। फिर से लगेगा,
अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ने के कारण ऐसा हो रहा था तो उसको घटाने का प्रयास करेगा, घटने के कारण ऐसा हो रहा था तो उसको बढ़ाने का प्रयास करेगा। एग्जाम्पल्स लेंगे अभी, थोड़ा और अच्छे से स्पष्ट होगी बातें। फिलहाल ये सारा चीज आपको लिखना नहीं है, केवल समझने के लिए था, उनको मिटा रहा हूं। लिखना है अब लिखे, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच अ वे दैट इट अपोजेस the cause due to which it produce। क्या समझे? लेंज के नियम के अनुसार इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण यह उत्पन्न हुआ है। ठीक है, ठीक होता लिखिए, मिटा रहा हूं, मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं करंट की। मान लेते हैं कि ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एग्जांपल नंबर फर्स्ट ध्यान से समझें। मान लेते हैं ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इस पे हमने रख दिया एक क्वायर। जो एक्सपेरिमेंट कल हमने किया था वही एक्सपेरिमेंट आज भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इस पे हमने रख दिया एक क्वायर, ठीक है, क्वायर। नाउ अब हम कहते हैं कि आप बी को चेंज करें, बी को चेंज करें। खूब जानते हैं कि बी चेंज करने के बाद इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, सर्किट क्लोज है, इसमें करंट फ्लो होगी। किस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी उसकी बात हम करेंगे। अच्छा, ईएमएफ की जो डायरेक्शन होगी वही करंट की भी होगी। अब जो ईएमएफ डायरेक्शन होगी वही, क्योंकि ईएमएफ का मतलब जहां वोल्टेज बैटरी का पॉजिटिव वाला टर्मिनल होगा उधर से करंट बहेगी, तो वही करंट की भी होगी, इसलिए बहुत उसमें दिक्कत की बात नहीं है। बी चेंज करें, बी चेंज करते हैं और इसमें करंट की डायरेक्शन। चलिए एनालिसिस करते हैं, ध्यान से देखिए। बी चेंज हुआ, क्या इसके कारण फ्लक्स चेंज होगा? यस, फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स जिस रेट से चेंज होगा इस रेट से ईएमएफ इंड्यूस होगा। अच्छा, बी चेंजेस में, चेंज में हम इंक्रीज ले रहे हैं, चेंज में क्या ले रहे हैं? इंक्रीज। तो बी चेंज में हम यहां पे क्या लिख रहे हैं? इंक्रीज। मान लेते हैं कि बढ़ा तो फ्लक्स भी बढ़ा, बी बढ़ा तो फ्लक्स भी बढ़ा। भाई ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आएगी, फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ना। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा हो गई, इंक्रीज हो गई, तो फ्लक्स लाइंस भी इंक्रीज हो जाएंगी। नो डाउट, उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। हाँ, हुआ, किसके कारण हुआ? बी बढ़ने के कारण हुआ। किसके कारण हुआ? बी बढ़ने के कारण, इंडायरेक्टली बी बढ़ने के कारण। तो क्या करें? इस ईएमएफ का टर्म क्या है? बी घटा दे, देन इस ईएमएफ डायरेक्शन के लिए क्या, जिसके कारण उत्पन्न हुआ है उसी का विरोध करेगा। उत्पन्न क्यों हुआ? बी बढ़ने के कारण, बी बढ़ा, फ्लक्स बढ़ा और ईएमएफ इंड्यूस हुआ। फैराडे ने कहा था ऐसा, फ्लक्स से जो कल वो होगा, ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसके डायरेक्शन के लिए हमने सोचा विरोध करेगा। किसका? जिसके कारण उत्पन्न हुआ। किसके कारण उत्पन्न हुआ? बी बढ़ने के कारण, तो उसका विरोध करेगा। कैसे विरोध करेगा? बी घटा देगा, then it decreases,
हीट डिक्रीजेस द बी, या बी को घटा देगा। ठीक है भाई, बी को घटा देगा। चलिए देखते हैं, अगर अगर आप भूले नहीं है तो किसी लूप में फ्लो होने वाली करंट के कारण कैसे डायरेक्शन लिया जाता है, मैं आपको दोबारा रिवाइज देता हूं। अब देखिए, ध्यान से देखिए, अगर ये लूप है, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो हम अपनी उंगलियों को ऐसे मोड़ते हैं, ऐसे ऐसे। अगर हम अपनी उंगलियों को उस लूप के अनुसार ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज घुमा दें ऐसे, तो क्या अपना अंगूठा अंदर की ओर है? यस, अंगूठा अंदर की ओर है। हाँ नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है। हम आपसे नॉर्मली एक क्वेश्चन पूछ, भूल जाइए ये सब चीज लिखते पे छोड़िए। आप यहां एक ये लूप है, करंट कैरिंग लूप है, पक्का इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होगी। यस, किस डायरेक्शन में होगी? तो हम कहते थे कि जिधर करंट फ्लो हो रही है उधर अपने चारों उंगलियों को मोड़ना। हमने मोड़ लिया, ये 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 ये। अंगूठा किधर? अंगूठा किधर? अंदर की ओर। दो परिस्थितियां बनती हैं। अगर अगर लूप में करंट क्लॉकवाइज फ्लो होगी तो मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी? अंदर की। और अगर तो यहां पे इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। अगर ऐसे करंट फ्लो हो रही होती तो हम ऐसे घुमाते, ये ये ये। अंगूठा किधर? ये देखें, ये अंगूठा बाहर की, ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, आउटवर्ड मैग्नेटिक। चाहे याद रख लीजिए, चाहे समझ लीजिए, चाहे याद रख लीजिए कि अगर किसी लूप में करंट क्लॉकवाइज फ्लो होगी तो उसके कारण इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगी तो उसके कारण आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। चाहे समझ में आ रहा हो तो ठीक है। यस, ये अंगूठा अंदर की ओर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, ये ये अंगूठा बाहर की आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। चलिए यहां पर इस पे ये चीज पक्का था कि एयर इंड्यूस होगा बी चेंज होने के कारण। बी चेंज कैसे इंक्रीज हुआ था? बी इंक्रीज हुआ था इसलिए इस बी इंक्रीज के कारण जो एयर इंड्यूस होगा उसका ये धर्म होगा कि बी को डिक्रीज करे। अगर इस लूप में हम क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर दें, भाई लूप में करंट दो ही डायरेक्शन में होगी, आपसे ये पूछा जाएगा लूप में कैसे करंट फ्लो होगी इस केस में, या कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज मान लेते हैं, अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगी तो हम जानते हैं कि क्लॉकवाइज करंट से इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, एक तो ये पहले इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस से इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड दर्शाते हैं, कल हमने चर्चा किया था। और अगर हम क्लॉकवाइज करंट कहना चाहें तो उसके कारण और इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, इसका तात्पर्य मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, क्योंकि एक तो मैग्नेटिक फील्ड वैसे ही बढ़ गई, इसमें फ्लो होने वाली करंट के कारण भी अगर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड आ जाए तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, जबकि हम चाह क्या रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड घटे। मतलब अपनी रिक्वायरमेंट क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड अब जो करंट इसमें फ्लो हो उसके कारण जो हो वो आउटवर्ड हो, और उसके लिए जरूरी है कि एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करो। एंटी क्लॉकवाइज करंट अगर फ्लो होगी, ये अंगूठा बाहर की ओर, एक मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, एक मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर, दोनों एक दूसरे को कंपनसेट करेगी थोड़ा बहुत, और जो अपना काम है वो हो जाएगा। इस तरह से इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन यहां पर निकाली जाती है। समझ गए? खूब अच्छे से जो भी समझ में आए अपने शब्दों में नोट करिएगा इस एग्जांपल को, बहुत इंपॉर्टेंट। कैसे ईएमएफ की डायरेक्शन, कैसे इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकाली जाती है वो आप अच्छे से देखिए।
फर्स्ट करके नोट करिए, खूब अच्छे से अपने शब्दों में एक्सप्लेन करिए, बार बार वीडियो को सुनिए। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो डायरेक्ट आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप क्रिएट है ऑसिलेटर 12th बैच के नाम से, वहां पे कोई भी डाउट हो आप बस ये लिख के भेजिए कि कितने मिनट पे कहां पे डाउट है और हम उसको सॉल्व करेंगे, या कि आप डायरेक्ट मुझसे कॉल कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर वैसे भी दोस्तों के पास होगा आपके। एक कंडक्टर है, स्टेट कंडक्टर है, उस पर करंट फ्लो हो रही है और करंट वेरिएबल है, करंट जो है वो लगातार बढ़ रही है, करंट जो है वो लगातार बढ़ रही है। इसके इसके इस पार, इसके इस पार एक लूप है, इसके इस पार ये लूप है, कंडक्टिंग लूप है। चलिए इस चीज का एनालिसिस करते हैं। हम आपसे नॉर्मली कहते हैं फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन कंडक्टिंग लूप, इन कंडक्टिंग लूप, कंडक्टिंग लूप में इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताइए। यहां तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं, आधे लोग तो इसी में दिक्कत करेंगे, कहां नहीं है, कहां नहीं है। कुछ देर के लिए चलिए आप सॉल्व करके दिखा, सॉल्व करके ध्यान से सुनिए। चलिए मान लेते हैं कि अपने पास केवल ये, क्या ये करंट कैरिंग वायर है? हां, करंट कैरिंग वायर के कारण इधर वाले एरिया पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकाल? पहली बात तो यह कि मैग्नेटिक फील्ड होगी कि नहीं? हां होगी, किसने कहा था, किसने कहा था? पर स्टेट ने बहुत सारे प्रयोग किए थे। चलिए करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखते हैं, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखते हैं, चारों उंगलियों को, चारों उंगलियों को उस तरफ रखते हैं जहां हमें निकालना है। मान लेते हैं कि अपना टारगेट एरिया ये, तो हथेली, हथेली मैग्नेटिक फील्ड बताए, हथेली करंट की डायरेक्शन ऊपर की ओर, अंगूठा हमने ऊपर की ओर रख दिया, क्योंकि ये वाले एरिया पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, इसलिए इन चारों की तरफ हमने अपनी उंगली रख दी। यस, तो हथेली किधर है? अंदर की ओर, हथेली अंदर की ओर, मतलब यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस तरह होगी इनवर्ड। पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए, और क्योंकि करंट लगातार इंक्रीज हो रहा है इसलिए ये मैग्नेटिक फील्ड भी कैसी होगी? इंक्रीजिंग। इसलिए ये मैग्नेटिक फील्ड भी कैसी होगी? इंक्रीजिंग। क्या ये वही केस पुराना वाला नहीं बन गया? इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड में, अब फील करिएगा, फील करिएगा, इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड में एक लूप रखा जाएगा, तो लूप में ईएमएफ इंड्यूस होगा, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन इस प्रकार होगी कि वह उस कारण का विरोध करेगा जिसके कारण उत्पन्न हुआ। किसके कारण उत्पन्न हुआ है? इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण। तो क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा। मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? आउटवर्ड, क्योंकि इनवर्ड है, एक डायरेक्शन आउटवर्ड हो जाएगा, थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा। आउटवर्ड डायरेक्शन के कारण करंट कैसा फ्लो होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। खत्म, आउटवर्ड डायरेक्शन चाहिए, समझ में आता है? हाँ, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इनवर्ड थी। अगर इस लूप में भी इनवर्ड डायरेक्शन वाला मैग्नेटिक फील्ड वाला करंट हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी। इस तरह से इस लूप में ऐसी करंट फ्लो हो जिसके कारण उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड हो, हमने पढ़ा था। अगर किसी लूप में करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होती है तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो आउटवर्ड होगी। हाँ, तो इस लूप में हमने कह दिया
करंट इन लूप एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है, क्लियर है बात? केस फर्स्ट में जो हमने देखा था डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड था, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट फैराडे का, थोड़ा ये और अच्छा केस था। मैग्नेटिक फील्ड हमें खुद पहचानना पड़ा कि इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, क्या कैसे। एक और केस लेके बढ़िया नोट करिएगा, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट नोट करिएगा पूरी। सब लोगों से मैं डेली यही कह रहा हूं कि पेन कॉपी लेके बढ़िया अकेले में बैठिए, दो तीन बार वीडियो को रिपीट करिए, उसके बाद नोट्स बनाइए। एटलीस्ट दो बार वीडियो सुनिए पहले पूरे से, उसके बाद नोट्स बनाइए, और बारी बारी से हमारे व्हाट्सएप पे अपनी अपनी नोट्स सब लोग भेजिए, जिससे कि मुझे भी सेटिस्फेक्शन मिले कि हाँ आप लोग नोट्स पे काम कर रहे हैं। देखिए अगर अभी दिक्कत कर देंगे, अभी आप आलस पे आ जाएंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि अभी ये लग रहा होगा कि अब तो ये वीडियो है परमानेंट रहेगा ही यूट्यूब पे, हम बाद में कर लेंगे। नहीं, अभी करते जाइए, क्योंकि जब हम मिले तो एटलीस्ट दो तीन चैप्टर आगे बढ़ा रहे सिलेबस, बाकी नया बैच एक बार फिर से शुरू होगा, जब से ही शुरू होगा उस बैच में, जब भी ये चीज आएंगे आप लोग सब लोग जो पुराने बैच वाले स्टूडेंट्स हैं वो सब लोग उस पर एडजस्ट हो जाइएगा। पर अभी का काम अभी करते जाइए, अपनी पुरानी नोट्स जो थी जहां से छोड़े थे उसको कंटिन्यू करिए उसी तरह, और फोटो जरूर भेजिए हमको जो डाउट है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोग तो कॉल पे भी जुड़े हैं, हमेशा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप हमेशा डाउट क्लियर कर सकते हैं, करते ही हैं बच्चे, आप लोग भी करते रहिए, जो नहीं कर रहे हैं शर्माए नहीं। एक और ये वायर है कॉन्स्टेंट करंट फ्लो, एक वायर में कॉन्स्टेंट करंट फ्लो हो रही, एक लूप यहां है एक लूप यहां है, ये V1 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये V2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और V2 बड़ा है V1 से। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मेंस लेवल पे अच्छा क्वेश्चन। ये V2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये V1 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और V2 बड़ा है V1 से। हम फिर से वही आपसे चाहेंगे, फाइंड द डायरेक्शन, इंड्यूस्ड करंट, इन लूप। सबसे पहली चीज, इंड्यूस्ड करंट होगी भी या नहीं, क्योंकि करंट इंड्यूस होने के लिए जरूरी होता था कि EMF इंड्यूस, EMF तभी इंड्यूस होगा जब फ्लक्स चेंज होगा। क्या इस बात की गारंटी है फ्लक्स चेंज होगा? अच्छा, फ्लक्स चेंज होने के लिए यह भी जरूरी है कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो। फ्लक्स चेंज होने के लिए यह भी जरूरी है कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो, या कि एरिया चेंज हो, या कि थीटा चेंज हो, पर कॉमनली हम मैग्नेटिक फील्ड की ही बात कर रहे हैं। और अगर हम इसको भूल जाएं, अगर हम इनको भूल जाएं, तो आपको केवल ये दिखेगा कॉन्स्टेंट, समझ रहे हैं? तो कुछ बच्चों के मन में, बल्कि अधिकांश बच्चों के मन में ये फील आएगा कि अगर करंट कैरिंग वायर में कॉन्स्टेंट करंट है तो उसके कारण उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड भी कॉन्स्टेंट होगी। मना नहीं, आप यह क्यों भूल रहे हैं? इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता था μ0/4π2π/d, जहां d वायर से लेके परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ करता था। अब समझिए ध्यान से, v2 v1 से बड़ा है, मतलब ये वाला लूप ज्यादा तेज भागा जा रहा है, ये वाला कम। अगर हम रिलेटिव मोशन की बात करें तो इन दोनों के बीच का जो वायर और इनके बीच का जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो लगातार बढ़ रहा है। हाँ, क्योंकि V2 V1 से बड़ा है, वो आगे निकल जाएगा।
अगर हम दोनों की अलग अलग भी बात करें तो ये भी आगे जा रहा है, ये भी आगे जा रहा है, जा तो रहे हैं दोनों। क्या दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है? यस है। क्या इस वायर से दोनों की डिस्टेंस लगातार नहीं बढ़ी जा रही है? बढ़ रही है। क्या डी नहीं बढ़ा जा रहा है? बढ़ रहा है। तो क्या बी नहीं बढ़ा जा रहा है? नहीं बढ़ रहा है। क्यों? क्या बी बढ़ेगा तो बी घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है ना। ये होता था डी लगातार बढ़ रहा है, डी लगातार बढ़ रहा है तो बी क्या होगा? घटेगा। एक बात तो क्लियर है कि इन दोनों लूपों को जिस मैग्नेटिक फील्ड से सामना करना होगा वो डिक्रीजिंग है। इस बात पे आप कोई शक तो नहीं? एक बार ये लगातार दूर जा रहा है, ये भी लगातार दूर जा रहा है, वायर से डिस्टेंस लगातार बढ़ रही है। वायर से डिस्टेंस लगातार बढ़ने के कारण जब ये नीचे दी है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लगातार घट रही है जैसे जैसे दूर जाएगा। मतलब इन दोनों कंडक्टर्स को डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड से सामना करना पड़ रहा है। हाँ, इसी कारण क्योंकि ये डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड पे जा रहे हैं इसी कारण इसमें एक ईएमएफ है। उस ईएमएफ का डायरेक्शन ये होगा कि उस कारण का विरोध करे जिसके कारण उत्पन्न हुआ है। किसके कारण उत्पन्न हुआ है? डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण। तो क्या करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे। एक बात हमें अब क्लियर है कि इन वायर इन लूपों में ऐसी करंट होगी जो कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे। मतलब जो पहले वाली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रही होगी उसी डायरेक्शन में इनके करंट के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड आया। इस एरिया में क्या इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड आएगा? अभी पिछले एग्जांपल में हमने किया ये, मतलब लूप में ऐसी करंट फ्लो हो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना नेचर होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड घटने के कारण उत्पन्न हुआ था तो वो बढ़ाएगा उसको। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने का काम करेगा मतलब इस लूप में भी ऐसी करंट फ्लो हो जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हो। हाँ, और मैं अभी पढ़ा था कि अगर क्लॉक वाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगी, एंटी क्लॉक वाइज में होगी तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगी। जरूरत है इनवर्ड की, इसलिए डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉक वाइज। क्लियर है। इस बात को आप पकड़ के चले, इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन ऐसी होगी कि वह उसी का विरोध करेगा जिसके कारण वह उत्पन्न हुआ है। हर अलग अलग केस में अलग अलग कारण है। इनडायरेक्टली दो ही कारण, या कि बढ़ती हुई मैग्नेटिक फील्ड के कारण या कि घटती हुई मैग्नेटिक फील्ड के कारण। कारण कुछ भी हो सकता है, बहुत परेशान होने वाली बात नहीं है, आप समझ गए होंगे इस चीज से। लेकिन अच्छे से नोट करिए इसको। एक और प्रैक्टिकल मैं बताता हूं। मान लेते हैं कि ये एक कंडक्टर है, एग्जाम्पल ही है, ऐसे ही लिखना है। मान लेते हैं कि ये एक कंडक्टर है, और ये एक मैग्नेट है। वो एक कंडक्टर है, वो एक मैग्नेट है। ये भी तो तरीका है कि आप मैग्नेट को बार बार उसके पास ले जाओ, दूर ले जाओ, पास ले जाओ, उससे फ्लक्स में चेंज होगा, इसमें एनर्जी रिड्यूस हो जाएगा, कोई बात।
होगा। कैसे होगा, क्या होगा, चलिए देखते हैं। अगर अगर मैग्नेट के नॉर्थ पोल को उसके पास ले जाया गया, अगर मैग्नेट के नॉर्थ पोल को उसके पास ले जाया गया तो क्या होगा, तो क्या होगा, वो भी नॉर्थ पोल बनने का प्रयास करेगा। होता है ऐसा, अगर किसी कंडक्टर के पास मैग्नेट का जो भी पोल ले जाया जाएगा वह टर्मिनल उसी तरह बिहेव करने का प्रयास करेगा। अगर किसी मैग्नेट के नॉर्थ पोल को किसी कंडक्टर के पास ले जाया जाता है तो कंडक्टर का वह टर्मिनल भी, कंडक्टर का वह टर्मिनल भी नॉर्थ पोल बनने का प्रयास करता है। ठीक, नॉर्थ पोल बनने का प्रयास कर दिया। अच्छा, मैं इंड्यूस करंट की डायरेक्शन नहीं बता रहा हूं, मैं कुछ और बताने का प्रयास कर रहा हूं, समझे उस चीज को। अगर हम और पास ले जाना चाहते हैं, और पास ले जाना चाहते हैं तो क्या इस नॉर्थ पोल और इस नॉर्थ पोल के बीच रिपल्सन होगा? हाँ, अगर किसी मैग्नेट के नॉर्थ पोल को किसी कंडक्टर के पास ले जाया जाता है तो कंडक्टर का वह टर्मिनल भी नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करने लगता है, अतः दोनों नॉर्थ पोल के बीच रिपल्सन होगा। फिर भी हम लगातार ले जाएगा जबरदस्ती, क्या यहां से यहां ले जाने में वर्क डन नहीं होगा? होगा, और यही किया गया कार्य उसमें करंट के रूप में यूज होता है। यही किया गया कार्य, कहीं करंट बाहर से थोड़ी आती है, यही किया गया कार्य इसमें करंट के रूप में यूज होता है। बात समझ रहे हैं? एक बार और, ये नॉर्मल कंडक्टर था, किसी मैग्नेट के नॉर्थ पोल को, किसी भी पोल को, पर हम शुरू से ही नॉर्थ पोल को लेकर प्रैक्टिकल करते आए हैं इसलिए मैं बार बार नॉर्थ पोल कह रहा हूं। नॉर्थ पोल को इसके पास ले जाया गया तो यह भी नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करने लगा, इस नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल के बीच रिपल्सन लगने लगा, इस रिपल्सन फोर्स के विरुद्ध हम फिर भी इसके पास ले जा रहे हैं तो वर्क डन करना पड़ेगा। यही वर्क डन करंट के रूप में इंड्यूज हो जाता है, कहीं बाहर से करंट नहीं आती, एनर्जी को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये जो वर्क डन हुआ वही करंट के रूप में इंड्यूज हो गई है। क्या हम एक रिजल्ट यहां से कहते हैं कि जो लेंज का नियम है, लेंज ला है, वह एनर्जी कंजर्वेशन के नियम के बिल्कुल फॉलो करती है? हाँ, फॉलो करती है, बोर्ड के हिसाब से एक अच्छा क्वेश्चन भी है। आप स्टार पॉइंट लिखेंगे, एक स्टार पॉइंट लिखेंगे, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, केवल समझिए, अभी लिखेंगे। लेंज लॉ इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, लेंज लॉ इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। क्वेश्चन बोर्ड की सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एमपी बोर्ड में नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रूव दैट, हाउ यू कैन से दैट लेंज लॉ इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, आपको एक्सप्लेन करना होता है क्या कैसे, आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? रीजन लिखो, व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ, व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ एनी मैग्नेट brings near to any conductor
The north pole of any magnet brings near to any conductor. Then that terminal of conductor also behaves as north pole. Due to magnetism, magnetism के कारण ऐसा होता है। पढ़े if so there is repulsive force, there is repulsive force between magnet and conductor. If we bring more near to conductor, अगर हम conductor के और पास लाते हैं, then there is external work done, and there is external work done. This work done seems as induced current in conductor. So we can say that Lenz law is according to law of energy conservation. अच्छा क्वेश्चन, चार नंबर के लिए अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया लिखिएगा पूरा अच्छे से नोट्स पे। लेंज लॉ क्यों एनर्जी कंजर्वेशन के लिए है? आप चाहें तो बोर्ड में एक चित्र बना सकते हैं कि यहां पे कंडक्टर रखा था, ये कंडक्टर था, यहां पे एक मैग्नेट था, ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल, इसलिए ये भी नॉर्थ पोल यहां इंड्यूस हो गया था, इसके बीच रिपल्सिव फोर्स लगा था, ये आप इतना दिखा सकते हैं, इतना आप डायग्राम में दिखा सकते हैं, रिपल्सिव फोर्स ऐसे लगेगा और क्या कैसे, बढ़िया बढ़िया चीज, लेंज लॉ पे बढ़िया चीज। जब नॉर्थ पोल को ऐसे ऐसे लाया जाता है तो ऐसे ऐसे होता है। अब वीडियो को पॉज करिए, अच्छे से नोट करिए, बता रहा हूं। EMF due to rotation. Heading again, EMF due to rotation of coil. EMF due to rotation of coil. अच्छी चीज, कंपटीशन में पूछे जाने वाली टॉपिक, बोर्ड के हिसाब से बिल्कुल नहीं है, बोर्ड के हिसाब से ना देखें इसको। मैं पढ़ा था कल की फैराडे का जो तीसरा एक्सपेरिमेंट था वो यही था कि अगर इस कंडक्टर को हम घुमा दें, अगर इस कंडक्टर को ऐसे घुमा दें तब भी इसमें इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा। कैसे, क्या होगी, कितनी होगी वो हम देखेंगे, ठीक है। होगा वही एक बार फिर से कि किस डायरेक्शन में घूम रहा है और किस डायरेक्शन में घूमने के कारण कैसे करंट होगी, इसका क्या नेचर है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहा है घटा रहा है, जो भी
देखेंगे कैसे कमेंट करेंगे वो हम अभी देखेंगे, इसी लेक्चर पे देखेंगे। देखिए हमने इस बात पे अगर आपको याद हो तो कहा था कि ये थीटा चेंज वाला केस है, अगर थीटा चेंज होगा तो आप फाई याद करिए बी ए कॉस थीटा होता है, थीटा चेंज होने के कारण अगर बी कांस्टेंट है ए कांस्टेंट है, यहां पे बी कांस्टेंट है यहां पे ए कांस्टेंट है, इसका साइज नहीं बदल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी नहीं बदल रही है, बी कांस्टेंट ए कांस्टेंट थीटा चेंज, क्या थीटा चेंज होने से फ्लक्स चेंज, ड्यू टू थीटा चेंज फाई आल्सो चेंज, फाई भी चेंज होगा। अब दो केस, फाई या तो बढ़ेगा या कि घटेगा, फाई या तो बढ़ेगा या कि घटेगा, अगर फाई बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी तो उसमें इंड्यूस करंट ऐसी होगी कि मैग्नेटिक फील्ड घटाएगा, समझ रहे हैं बात को, देखें तो फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल अपान कितने समय में ये कांड हुआ उसका मॉड, क्या यही ईएमएफ होना चाहिए, हाँ रेजिस्टेंस दिया रहेगा तो ये अपान आर करके करंट भी निकाल लेंगे, करंट के डायरेक्शन भी निकाल लेंगे, सेटिस्फाई है, ठीक है इतना ये कॉन्सेप्ट नोट करिएगा, एक अच्छा निवेदन लेके सॉल्व करते हैं इसको। बात पे हम यहां पर मॉड इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम चिन्ह की बात ही नहीं करना चाह रहे हैं कि फ्लक्स फाइनली डेल्टा फाई पॉजिटिव हुआ कि निगेटिव हुआ, हम उस बात पे बहुत ज्यादा करना नहीं चाह रहे, एक और रिजल्ट मैं यहीं पे दे दूं अगर जरूरत पड़ती है तो, अगर आई की बात करें तो क्या ई अपान आर होगा इफ रेजिस्टेंस इज आर, अगर हम मान लेते हैं, अगर हम मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस स्मॉल आर है तो आई इक्वल ई अपान आर, मतलब जो ई अपान आर है, जो ई अपान आर है वो डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी के बराबर, जो ई अपान आर है डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी के बराबर, इतना ठीक है ना, यहां से आई निकला ई यहां से निकला, आई के स्थान पे क्या हम डेल्टा क्यू चार्ज के लिए डेल्टा क्यू अपान डेल्टा टी नहीं लिख सकते, मैं जो बताना चाह रहा हूं समझिए, आई के स्थान पे डेल्टा क्यू अपान डेल्टा टी लिख सकते हैं, ई के स्थान पे डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी लिख सकते हैं, अपान आर तो रहेगा ही, क्या इस डेल्टा टी से इस डेल्टा टी को मारा जा सकता है, हाँ, उस रिजल्ट को मैं अगर यहां पर लिखूं तो क्या डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा फाई अपान आर नहीं होगा, होगा स्टैंडर्ड रिजल्ट, क्या है डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो, क्या है ये चार्ज फ्लो, यकीन मानिए चार्ज फ्लो के लिए आप इस बात पे चिंता करेंगे कि कितनी देर में चार्ज हो, कितनी देर में चार्ज हो, फिर डाटा इनसफिशियंट का भी आप समझ लेंगे क्योंकि चार्ज फ्लो कितनी देर में, तुरंत मन में क्वेश्चन आएगा कि हम कहते हैं फाइंड द चार्ज फ्लो तो कितनी देर में, इस केस को आपको लगता है कितनी टाइम की जरूरत है, नहीं केवल आपको डेल्टा फाई के लिए मुझे नहीं लगता टाइम की जरूरत है, क्योंकि फाई क्या है बी ए कॉस थीटा, केवल बी कॉन्स्टेंट ए कॉन्स्टेंट तो दिया ही रहेगा, फर्क कहां पे आ रहा है केवल थीटा, अगर थीटा बस आपको पता रहे टाइम की जरूरत ही नहीं है, आधे लोग गलत करेंगे, आधा नहीं लगभग 90% लोग इस बात पे आपसे क्लिक करके आएंगे डाटा इनसफिशियंट का, क्योंकि चार्ज फ्लो आएगा और चार्ज फ्लो के लिए आपको तुरंत मन में आएगा कि यार टाइम नहीं दिया है कैसे क्या करेंगे, चार्ज फ्लो तो आई को टू डी क्यू अपॉन डी टी होता है, टी की लिमिट लगाएंगे, जरूर लगाएंगे अगर टाइम की लिमिट दिया रहेगा तब, अगर टाइम नहीं दिया है क्वेश्चन में तो अपने से ना सोचिएगा डाटा इनसफिशियंट है, कुछ और हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है चलिए देखिए इसको,
मैं यहां पे एक स्क्वायर लूप बनाता हूं, क्वेश्चन लिखेगा बढ़िया क्वेश्चन, यहां पे एक स्क्वायर लूप बनाता हूं, एक रेक्टेंगुलर लूप बनाता हूं, 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, 6 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ है, 5 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड है, 5 टेस्ला की इसकी मैग्नेटिक फील्ड है, फाइंड चार्ज फ्लो, फाइंड चार्ज फ्लो, फाइंड चार्ज, पहले मैं दो चीज पूछता हूं, फाइंड दो चीज EMF can be used in coil, दूसरा current if resistance is 0.2 ohm, बहुत कम रेजिस्टेंस ले रहे हैं, और आप तीसरा बता दीजिए चार्ज फ्लो, चार्ज फ्लो, चार्ज फ्लो, ये वर्फ एंड यूज इन कॉयल, ये क्वेश्चन यहां से जुड़ा रहेगा, इफ कॉयल रोटेट्स 30 डिग्री इन 0.2 सेकेंड, 30 डिग्री इन 0.2 सेकेंड, EMF induced in coil if coil rotates 30 degree in 0.2 second, current induced coil if resistance is 0.2 ohm और चार्ज। चलिए solve करते हैं। पहले तो आप try करिए, खुद वीडियो पॉज करके आप try करिए। solve करते हैं। E के लिए हमें चाहिए 5 final minus 5 initial upon delta t, और इसका modulus आप ले सकते हैं। 5 final B A cos 30 डिग्री, हाँ B आपको दिया है 5 टेस्ला, एरिया आप निकाल लोगे 10 इनटू 6 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज के लिए 10 टू पावर माइनस 4 मीटर मीटर स्क्वायर के लिए cos 30 की वैल्यू रूट 3 अपॉन cos 30 की वैल्यू रूट 3 अपॉन 2 3 जा 6 1.5 इनटू 10 टू दी पावर माइनस 2 अंडर रूट 3 2.65 into 10 to the power minus 2, ये आया 5 final वेवर, ये आया 5 final, ये आया 5 final, 5 is here B A cos 0 degree, perpendicular रखा है और ये 0 degree, तो B अपने पास 5 है और A अपने पास है, ए अपने पास है कितना है पता नहीं कितना है, 10 into 6 into 10 to the power minus 4 3 into 10 to the power minus 2, ये है 5 इसे ध्यान से देखिएगा, 5 final इतना, 5 इसे इतना कम, कौन final flux कम है, final flux कम है यार, परपेंडिकुलर है, टोटल फ्लक्स लाइंस आ रही है, फील्ड लाइंस आ रही है, 30 डिग्री से ऐसे घूम गया तो आधा तो छंट के चली गई, आधा कुछ तो छंट के चली गई, इसलिए थोड़ा सा कम है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फाई फाइनल है, फाई इनिशियल है, डेल्टा फाई आप निकाल लोगे, डेल्टा फाई आप निकाल लोगे, 0.35 into 10 to the power minus 2 वो भी नेगेटिव है, डेल्टा फाई नेगेटिव, क्योंकि डेल्टा का मतलब तुम फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल जानते ही हैं हमेशा, डेल्टा फाई नेगेटिव का मतलब यह है कि फ्लक्स कम हुआ है, फ्लक्स कम होने का मतलब यह है मैग्नेटिक फील्ड कम हुई होगी, मतलब जो होगा बात होगा, अगर हम डेल्टा फाई का मॉड देखें तो इसको 3.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 लिख सकते हैं वेवर, तो ई क्या होगा, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी,
तो 3.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 अपॉन डेल्टा टी है 0.2 सेकेंड, ये आ जाएगा 17.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 वोल्ट, सही है 1.6, क्योंकि 17.5 ये आ जाएगा और पॉइंट इधर आया तो वो घट गया, ठीक है। इतना वोल्ट का ईएमएफ हुआ, ये था पहला क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन, मेंस लेवल पे थोड़ा और अच्छे लेवल पे अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। करंट के लिए आपको कुछ करना नहीं, 0.2 का और डिवाइड कर देना है, करंट के लिए 0.2 का और डिवाइड कर देना है, एसआई यूनिट पे सब कुछ लेके करें। चार्ज फ्लो के लिए क्या आपको टाइम पाइन पे कहीं जाना भी नहीं है, चार्ज फ्लो के डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके पास, डेल्टा फाई अपॉन आर है ना, डेल्टा फाई अपॉन आर, डेल्टा फाई कहां गया, कहां गया, कहां गया, ये और अपॉन आर, आर कहां गया, आर कहां गया, ये है ना, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा, करंट और चार्ज फ्लो दोनों आप सॉल्व करिएगा, ईमेल कर देता हूं, आप फिर कहेंगे कि आधा आधा लगता है। करंट I इक्वल टू E अपान आर, E आया है 1.75 अपान ये है 0.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 ये है ही, तो ये हो जाएगा 8.75 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 एम्पियर, इतने की करंट आएगी, इतना करंट आएगी 0.8 मिली एम्पियर के आसपास। चार्ज फ्लो, चार्ज फ्लो डेल्टा क्यू इक्वल टू हम जानते हैं डेल्टा फाइव अपान आर, याद है, याद है वो वाला फार्मूला, ठीक है। डेल्टा फाइव कितना आया था, कितना आया था, यही आया था 3.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 अपान आर कितना आया है 0.2, एक बार फिर से ये कितना आया 1.75 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2, ये है चार्ज, कूलाम, इतना कूलाम का चार्ज फ्लो हुआ। पूरा व्हीकल अच्छे समझ में आया है, ठीक है। कितना करंट फ्लो होगी वो हमने निकाल लिया, अब आते हैं इस बात पे कि करंट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आप निकाल सकते हैं कैसे, करंट किस कारण से आएगी, ईएमएफ के कारण, ईएमएफ किस कारण से आया है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज के कारण, या चेंज क्या है, फाइनल कम है तो मैग्नेटिक फील्ड घटा होगा भाई, फ्लक्स घटा तो मैग्नेटिक फील्ड घटा, बी रिड्यूस के कारण, तो करंट इस प्रकार होगी कि बी बढ़ाएगी, बढ़ाए का मतलब इसका साथ दे, ये है इनवर्ट, तो मैग्नेटिक फील्ड हम क्या चाहते हैं, इनवर्ट, इनवर्ट के लिए, इनवर्ट के लिए क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन करंट फ्लो होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन करंट फ्लो होगी, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज, डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज, डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज। थोड़ा इस पे और अच्छा क्वेश्चन हम बना सकते हैं, थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन बना सकते हैं, हम आपको ओमेगा देते हैं, स्पीड दे देते, सोच लीजिए, मैं मिटाता हूं उसको, बस करके लिखेगा, एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, अच्छे से लेते हैं, सेम वही चीज लेके चलते हैं, एक बढ़िया मैग्नेटिक फील्ड, एक बढ़िया मैग्नेटिक फील्ड, ये अपने पास कंडक्टर, हम कहते हैं कि ये घूम रहा है, ये घूम रहा है, हम ऐसा कह रहे हैं कि ओमेगा इक्वल टू 300, 300 नहीं, 300 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, चलो 150 लेके चलते हैं, 150 राउंड पर मिनट आरपीएम, 150 राउंड पर मिनट से वो घूम रहा, हम आपको बी दे रहे हैं, दो टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड है, इस कंडक्टर की एक बार फिर से वही हम मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर के आसपास लेंथ है, 2 सेंटीमीटर के आसपास विड्थ है, ऐसा मान लेते हैं, फिर से वही चीज हम अगर निकालना चाहें
है ना, फिर से वही चीज, फिर से वही चीज। फाइन भैया, ईएमएफ इन हाफ रिवॉल्यूशन, और दूसरा ईएमएफ इन फुल रिवॉल्यूशन। दो क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन, जेई लेवल पे मस्त क्वेश्चन। अच्छा, ये जो रिवॉल्यूशन दिया है कितने रिवॉल्यूशन में दिया है, ईएमएफ के लिए आपको तो फ्लक्स में चेंज तो मिल ही जाए। आधा रिवॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, आधा रिवॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, 180 डिग्री घूम गया भाई, पूरे रिवॉल्यूशन मतलब 360 घूम गया। आधा घूमने का मतलब क्या हुआ, ऐसे थे ऐसे पलट गए, फिर दोबारा पलट जाओ 180। अगर हम सबसे पहले फाई इनिशियल की बात करें, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो वो होगा बी ए कॉस 0, बी ए केवल बी ए, क्या ए है क्या बी है हम बाद में रख लेंगे, बहुत इस चीज पर अभी हम टेंशन नहीं। फाइन से एट थीटा इक्वल टू 180 फॉर हाफ रिवॉल्यूशन, आधा रिवॉल्यूशन के लिए थीटा 180, तो जो फाई फाइनल होगा वो बी ए कॉस 180 और कॉस 180 माइनस 1 मतलब माइनस बी ए। फाई फाइनल कितना है, माइनस बी ए। अगर हम डेल्टा फाई निकालना चाहें, अगर हम डेल्टा फाई चाहें तो फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल माइनस बी ए माइनस बी ए इक्वल टू माइनस टू बी ए। कोई बात, डेल्टा फाई का मॉड चाह रहे हैं तो आप माइनस हटा दीजिए, डेल्टा फाई के बारे में हमने काम कर लिया। अब आते हैं टाइम, आते हैं टाइम इंटरवल। हाफ रिवॉल्यूशन, हाफ रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगेगा वो चाह रहे हैं। चलिए यहां से आप हेल्प ले सकते हैं, 150 राउंड करता है 60 सेकंड में, क्या करता है, घूमता है। एक राउंड करेगा 60/150 सेकंड में, आधा राउंड काउंट करता है 60/150 1/5 सेकंड में आधा राउंड कर देगा जो भी करेगा। क्या ये डेल्टा टी है, हाँ। क्या हम यहां से ई नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं, 2BA/1/5 दैट इज 10BA। बी क्या है, ए क्या है वो पता है, 10 बी के स्थान पे 2, ए के स्थान पे 5 × 2 और 10^-4 और एसआई के लिए 2 × 10^-2 वोल्ट, ये आ जाएगा ईएमएफ। आधा रिवॉल्यूशन के लिए, फुल रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो एवरेज, एवरेज की बात कर रहे हैं, एवरेज हम एवरेज ईएमएफ की बात कर रहे हैं, चलिए करिए। पूरे राउंड की बात करें तो 360/0/0 रहेगा, फ्लक्स सेम आ जाएगा, फ्लक्स में चेंज ही नहीं होगा, फ्लक्स में चेंज नहीं होगा तो काहे कुछ होगा, कुछ नहीं, ठीक है। पूरे राउंड में ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो पाएगा, एवरेज नहीं हो पाएगा, बाकी तो ऐसे होता ही है, जनरेटर पता चला एक राउंड जितना बनाया दूसरे राउंड पूरा खत्म, ऐसा नहीं होता, ठीक है। लेंज ला पे जो कुछ भी होना था वो आज हो गया है।
अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, इनका कॉन्सेप्ट देखे रहे, पहले एक से दो बार अच्छे से वीडियो देखे, उसके बाद कॉपी में लिखने वाली प्रक्रिया शुरू करें। मैं बार बार कह रहा हूं कि ट्वेल्थ क्लास का स्पेशली जेई के लिए नया बैच होगा, जब भी लॉकडाउन समाप्त होगा तब से नया बैच मैं लूंगा, पर वहां पे चैप्टर फर्स्ट से होगा, इसलिए जो पुराने बैच के बच्चे हैं फुल कंसंट्रेशन के साथ इसको कवर करें, क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं मिल पाएगा, बाद में रिवाइज लेना है, 11-12 दोनों एक साथ लेके आपको जेई पे अटेम्प्ट करना है। नीट वालों के लिए तो फिर भी टाइम रहेगा थोड़ा सा, पर जेई जनवरी में ही होना है, अगले साल तक में रोना करोना सब समाप्त हो चुका रहा होगा, इसलिए एग्जाम भी शिफ्ट नहीं होगा कि आप ये सोचें कि जनवरी वाला एग्जाम और अप्रैल में होगा, नहीं वो तो होगा ही, इसलिए फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते रहें, खूब बढ़िया। जो डाउट हो मैं तुरंत कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, आप बेझिझक हमें कॉल करिए, मैसेज करिए, आपका आंसर मिलेगा। वीडियो कैसा है इसके बारे में जरूर बताइए, वीडियो को शेयर भी कीजिए, जो नए लोग मिल रहे हैं उनको भी बताइए। कल फिर मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आराम से वीडियो देखिए, ऐश करिए।